आपने कई बार देखा होगा रोहित शर्मा, हार्दिक पांडे और अगर हम यूट्यूबर की बात करें तो एल्विश यादव नंबर वन पे और राउंड 12। हर कोई इन्फ्लुएंसर आज 1% को छोड़ के 99% सिर्फ पैसों के चक्कर में बैटिंग ऐप्स को प्रमोट करते हैं। इतना करते हैं कि इसकी कोई हद नहीं है। आज के टाइम में इन इन्फ्लुएंसर के चक्कर में हर कोई शिकार बनता जा रहा है। ₹26,000 किसी के लिए ये अमाउंट बहुत बड़ी हो सकती है तो किसी के लिए कुछ भी नहीं। बट मैं आज ऐसे बंदे की बात करने जा रहा हूँ जिसने 26,000 कमाने के लिए 13 महीने लग गए बट उसको जाने में सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में उसने गवा दिया। तो एक बंदा था, वो इन सब इन्फ्लुएंसर को फॉलो करता है और अभी भी फॉलो करता है। तो वो बंदा थोड़ा अलग था। इन इन्फ्लुएंसर के चक्कर में आके आज तक उसने साइन अप की तो दूर की बात है, जब भी प्रमोशन वीडियो आता था वो देखता तक नहीं था। उसने ना कभी किसी ऐप को डाउनलोड करा और ना ही किसी वेबसाइट में जाके साइन अप किया, क्योंकि उसको पता है इन जैसे बैटिंग ऐप्स पे लगने से बढ़िया है मौज मस्ती करो बाहर जाके, क्योंकि बैटिंग ऐप से गंवाने से बढ़िया तो कहीं जाके खाओ पियो ना। तो उसको पता था ये सब चीज़ें, लेकिन वो कहते हैं ना हर दिन एक जैसा नहीं होता। अब वो जॉब के चक्कर में एक कंपनी में सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद उसको ट्रेनिंग पीरियड पे भेज दिया गया। जब वो ट्रेनिंग पीरियड पे गया तो उसको ऐसे टीममेट्स मिले जो कि ऑलरेडी ऐसे बैटिंग ऐप्स में फंस चुके थे और दिन के 1 से 2 हज़ार हर रोज लगाते थे। कोई हारता था तो कोई कुछ विनिंग अमाउंट जीतता भी था। तो सबसे पहले तो इस बंदे ने उसको समझाया कि भाई मत खेला करो वगैरह वगैरह वगैरह, बट वो कहते हैं ना एक बार जब फंस जाते तो उससे निकलना बहुत ही एक मुश्किल सा हो जाता है। तो ये बंदा इग्नोर करता गया 15 दिन हो गए। अब जैसी संगत वैसी आपकी वरफाई, जैसी संगत पे चलोगे उसी दिशा पे आप भी चलोगे। तो एक दिन क्या हुआ, जिसके साथ वो खाता था पीता था, जिसके साथ जो साथ में काम करता था, उसने 4,000 रुपये लगा के उसी के आंखों के सामने से 23,000 रुपये विनिंग अमाउंट निकाला। और शौक तो तब हुआ जब उसने विनिंग अमाउंट को विड्रॉ के लिए रिक्वेस्ट करा तो विद इन 5 मिनट्स बैंक अकाउंट में मैसेज आ गया क्रेडिट का। अब ये क्रेडिट अमाउंट उसके आंखों पे और दिमाग पे चढ़ गई। वो सोच रहा ओ भाई इसमें तो सही में पैसा कमा सकते हैं। अब यहाँ से होती है गेम स्टार्ट। उसने मन में सोचा कि जब ये कमा सकता है, जब ये 4,000 रुपये लगा के 23,000 रुपये जो कि सैलरी से भी ज़्यादा है वो निकाल सकता है विद इन 5 मिनट, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इसी लालच के चक्कर में उसने पहले तो पूछा कैसे गेम खेलते हैं। सबसे पहले तो 100 रुपये लगाया जो कि 100 रुपये उसने लॉस कर दिए। फिर उसने 200 रुपये लगाया, 200 के उसको 400 मिल गए। ऐसे चलता गया 100-200 में ये बंदा खेलने लग गया। स्टार्टिंग के आई थिंक 2 से 4 दिन ये बंदा खेलने लग गया। अब 2-4 दिनों में उसने 1-2 हज़ार की प्रॉफिट कर ली। अब जब 5 दिन ये इस बंदे ने पूरी कंप्लीट करी तो इस बंदे को क्या लगा कि अब मुझे इसका एल्गोरिथम समझ में आ गया है, कैसे काम करता है, कैसे ऊपर जाता है, कैसे नीचे आता है। इस बंदे ने अब इस बंदे के अंदर लालच स्टार्ट हो गया कि अगर मैं 10 रुपये लगा के मुझे सीधा 2x पे 20 रुपीज़ मिल गया तो मैं अगर 1,000 लगाऊंगा तो 2,000, अगर 5,000 लगाऊंगा तो सीधा 10,000 मिलेंगे। एक लालच आ गया। अब मैं बात कर रहा हूँ एविएटर की। एविएटर में आपको क्या करना होता है, एक एरोप्लेन है ऊपर जाता है, वो एरोप्लेन क्रैश होने से पहले आपको अपने अमाउंट को कैश आउट करना है। तो उस बंदे को क्या लगा कि अब मुझे इसका एल्गोरिथम समझ में आ चुका है, अब मैं इसमें जीतूंगा ही जीतूंगा।
अब उसने क्या करा, सबसे पहले तो 1,000 रुपये लगाए जो कि चले गए, फिर 2,000 रुपये लगाए जो कि चले गए, फिर 5,000 रुपये लगाए जो कि चले गए। ऐसे करते 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 उसने 10,000 रुपये गवा दिए। अब जब उसने 10,000 रुपये गवा दिए, अब इसका मोटिव क्या था, प्रॉफिट लेना, बट अब जो मोटिव है वो बदल गया। जो मेरा 10,000 रुपये लॉस हुआ है उसको मैं रिकवर करूंगा, उसके बाद मैं इस गेम को क्विट मार दूंगा। अपने लॉस को रिकवर करने के चक्कर में ये बंदा अपना अमाउंट जितना पड़ा था वो लगाता गया लगाता गया लगाता गया, और आज ये बंदा 26,000 के लॉस पे है। अब एक शॉकिंग चीज बताने जा रहा हूं, ये बंदा और कोई नहीं मैं हूं, ये बंदा और कोई नहीं मैं हूं। जी हाँ, 26,000 मैंने ही गवाए सिर्फ एक लालच पे आके। अब 26,000 मेरे लिए बहुत बड़ी अमाउंट है जिसको मुझे लग गए कमाने में 13 महीने। मैं 2,000 2,000 2,000 करके सेविंग करता हूँ और 13 महीने मुझे 26,000 रुपये कमाने में लग गए, और गए कब, सिर्फ आधे घंटे के अंदर। अब एक और शॉकिंग चीज बताने जा रहा हूँ, जिस बंदे ने 4,000 रुपये लगा के 23,000 रुपये विनिंग करा था, फिर उसने बताया कि वो ऑलरेडी 1,00,000 लॉस पे है। आज के टाइम में ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, हजारों लोगों की कहानी है जो कि इस जुआ के अंदर फंस चुके हैं। मैंने तो सिर्फ 26,000 रुपये गवाए। आप न्यूज पे देखोगे तो बंदों के रातों रात करोड़पति से रोडपति भी बने हैं, किसी ने 14,00,000, किसी ने 15,00,000, और किसी ने तो ये 96,00,000 तक हार चुके हैं। हिमांशु, क्या काम करते हो बेटा? अच्छा, कुछ कहना? यस सर, आज आप टीम लगाइए और करोड़ रुपए कमाइए, इसमें से बहुत लोग गेमिंग एडिक्ट होते हैं। तुमने खेला क्या ये? यस खेला। यस सर। और कितने, रुको एक मिनट भैया, बेटर को, तुमने ये गेम खेला? Yes. कितने पैसे गवाए? अभी मेरे ऊपर 96,00,000 रुपए का कर्ज है। कितने? 96,00,000। 96,00,000 रुपए का कर्ज है? तुम्हारी माँ टीचर है और मेरी माँ हमसे बात नहीं करना चाहती है। नशा है ना? 96,00,000 रुपए का कर्ज है तुम्हारे ऊपर, माँ टीचर है, माँ बात नहीं कर रही, क्यों, घर का कोई और लो? नहीं रो मत, बिल्कुल रोगे नहीं, बिल्कुल नहीं रोगे। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई बात नहीं करता। अगर हमको कुछ हो भी जाएगा रोड पे ना, वो देखने नहीं आएंगे। अब ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के साथ साथ जो आज के टाइम पे स्कैम चल रहा है मैं आपको शेयर कर सकूं और उसको पर्दाफाश कर सकूं। जिस इन्फ्लुएंसर को आप फॉलो करते हो उनको एक कंपनी की तरफ से डेमो अकाउंट दिया जाता है, जिसपे आपको ऐसे दिखाते हैं कि वो अपने रियल कैश से 50,000 10,000 रुपये लगा के गेम पे इन्वेस्ट कर रहे और प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि कौन जीतेगा, बट ये सब फेक होता है और आपको पागल बनाया जाता है और आपको ऐसा लगता है कि वो रियल कैश से पैसे कमा रहे हैं, और आपको एक रियल ऐप को प्रमोशन किया जाता है और आप उस पर क्लिक करके अपने रियल कैश से खेलना स्टार्ट कर देते हो, जिसके बाद आपकी जो हार्ड इनकम मनी होती है उसको आप गवा देते हो। इन इन्फ्लुएंसर को इन बैटिंग ऐप्स को प्रमोट करने के लिए लाखों रुपये तक मिलते हैं। अगर मैं खुद की बात करूं, मेरे जैसे स्मॉल यूट्यूबर को अभी 50,000 रुपये ऑफर करा था, एक ऐप था उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उस ऐप को प्रमोट करने के लिए मुझे 50,000 ऑफर किया था, बट मैंने टुकड़ा किया। आप ईमेल भी चेक कर सकते हैं जिसमें मैंने बात किया कैसे प्रमोशन होता है, कैसे क्या होता है। जब मैं बात करता गया उसने मुझे एक डेमो अकाउंट शेयर करा और एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी शेयर करा, जिसके अंदर मुझे सिर्फ उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को प्ले करके अपनी वॉइस ओवर डालनी थी, उसके बाद 50,000 मेरे बैंक में। बट मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे पता है अगर मैं शेयर करूंगा तो कुछ बंदे ज़रूर डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद उनकी जो हार्ड इनकम बनी है वो चले जाएंगे। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगा। अब सवाल ये आता है
कि आखिर इन जैसे ऐप को गवर्नमेंट बैन क्यों नहीं कर सकती। इतने सारे केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं, आखिर इन जैसे ऐप के थ्रू लाखों रुपए आज हर कोई गवाता रहता है, तो इन जैसे ऐप को बैन नहीं होना चाहिए। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। सीधे शब्द में कहूं तो ये ऐप खुद को गेम ऑफ स्किल यानी कि डिपेंड ऑन लक बताते हैं। इन जैसे बैटिंग ऐप्स को गवर्नमेंट एक जुआ नहीं मानती। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, किसी भी गेम का जो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है वो लक नहीं स्किल होना चाहिए। इसका फायदा उठाकर ये ऐप्स खुद को लीगल बताते हैं। और इन जैसे गैम्बलिंग ऐप का रेवेन्यू मॉडल बहुत ज़्यादा तगड़ा होता है, जिसके बाद ये गवर्नमेंट को, सरकार को मोटी टैक्स भी देते हैं, जिसके बाद भी गवर्नमेंट इनको बैन करने की मूड में नहीं है। तो ये वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद था कि मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू आपको कुछ पता लगे कैसे आज स्कैम चल रहा है और कैसे लोग लाखों रुपए इस गैम्बलिंग ऐप के थ्रू हारते और गंवाते जा रहे हैं। तो आपको सचेत होना है और आप लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो इस वीडियो को जितना हो सकता है। और एक हाइप का ऑप्शन जरूर आया होगा, अभी यूट्यूब का नया ऑप्शन है, मैं चाहता हूं कि उस हाइप ऑप्शन को आप जितना हो सके उतना क्लिक करो। क्लिक करने से क्या होगा, हमारे जैसे छोटे यूट्यूबर का भी अब ट्रेंडिंग सेक्शन में वीडियो चला जाएगा, जिसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और इन सब चीज़ों से दूर रहो। बाय।